अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मंगोलियन चिकन और गार्लिक राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही क्विक, इजी और यमी रेसिपी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाइए। इसके साथ ही बेल आइकन है, इसको भी दबा दीजिए सो दैट आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक को हिट करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पीस मैंने फ्रोज़न चिकन चेस्ट ले लिया है। अब मैं इसको सेंटर से इसके दो हिस्से कर लूँगी और अब मैं इसको क्यूब्स में काट लूँगी। आप चाहें तो स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप क्यूब्स में करें या स्लाइसेस में करें। चिकन हमारा क्यूब्स में कट चुका है, इसको शिफ्ट कर लेते हैं एक प्लेट में। अब इसमें एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर जाएगा। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी अपने टेस्ट के मुताबिक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। मिक्स कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक एग। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसको मैरिनेट करने के लिए नहीं रखना, अभी हम इसको फौरन ही फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल ऐड करेंगे। देख लेते हैं ऑयल हमारा गर्म है। एक एक करके हम चिकन के पीसेस जो हैं वो ऑयल में ऐड करते जाएंगे। अगर हमने इकट्ठे ही ये सारे पीसेस डाल दिए तो ये साथ में जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें एग भी है, कॉर्नफ्लोर भी है। मीडियम लो फ्लेम रखा है मैंने और मैं ईच साइड से इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी। टोटल इसको 5 to 6 मिनट्स लगेंगे और ये फ्राई अच्छे से हो जाएगा और टेंडर भी हो जाएगा। चलें जी, चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। प्लेट पे मैंने टिश्यू पेपर रख लिया है सो दैट इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में सोक हो जाए। अब हम अपना दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम चलते हैं राइस की तरफ। 4 से 5 टेबलस्पून हम ऑयल के ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने चॉप्ड लहसुन लिया है, इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। और अब इसमें मैंने 2 हरी प्याज चॉप कर ली थी, वो जाएंगी। 4 से 5 ग्रीन चिलीज लेकर मैंने उनको भी चॉप कर लिया है, अब हम वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा स्टर करेंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी सोया सॉस और 2 चुटकी नमक ऐड कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा हिलाएंगे इनको। अब हम बॉइल्ड राइस ऐड करेंगे। 2 कप राइस को मैंने लेकर उनको बॉईल कर लिया था नमक डाल के। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। एक गट्ठी हरा धनिया मैंने चॉप कर लिया था, वो अब ऐड कर देंगे और दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चलें जी, ये देखें झटपट से हमारे राइस रेडी हो गए हैं। अब आते हैं हम चिकन की तरफ। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल का लिया है। 2 टेबलस्पून चॉप गार्लिक ले लिया है मैंने, वो ऐड करेंगे ऑयल में। थोड़ा सा इसको हम सौते करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर वाटर। एक बड़े साइज की शिमला मिर्च लेकर मैंने उसको क्यूब में काट लिया है, अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज की ही मैंने प्याज ले ली है, उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है, वो ऐड करेंगे। हमने सब्जियों को पकाना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इनको हिलाना है। 1 से 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून ही वाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून ही मैंने ऑयस्टर सॉस ले ली है।
30 सेकंड्स के लिए इसको हिलाएंगे हम। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून गुड़, आप चाहें तो चीनी या फिर ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको फिर से हिलाएंगे। ये मैंने 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको मिक्स करके इसमें ऐड कर दूंगी। आप इसमें चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, चिकन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो ये ना भी ऐड करें, इट्स ऑप्शनल। अब इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च जाएगी। मैं इसमें नमक ऐड नहीं करूंगी क्योंकि सोया सॉस भी नमकीन होती है और ऑयस्टर सॉस में भी थोड़ा सा नमक होता है। 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं कॉर्नफ्लोर के, उसको मैं पानी में मिक्स कर रही हूँ और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे। एक हाथ से कॉर्नफ्लोर डालते जाएं, दूसरे हाथ से इसको हिलाते जाएं टू अवॉइड लम्प्स। अच्छे से इसको मैं हिलाऊंगी और मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ सो दैट इसकी ग्रेवी सही बन जाए। ये देखिए ये गाढ़ा हो चुका है, मुझे इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही चाहिए, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप कॉर्नफ्लोर ज़्यादा ऐड कर लें। ग्रेवी हमारी बन चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राइड चिकन। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब हमारा लास्ट आइटम टमाटर। टमाटर को मैंने सबसे एंड पे इसलिए डाला है ताकि ये घुले ना सॉफ्ट होके। मीडियम साइज़ के 2 से 3 टमाटर लेके मैंने इनको क्यूब्स में काट लिया था। ये सारा 2 से 3 मिनट का प्रोसेस था। ये देखें सब्जियों का क्रंच भी बाकी है और फ्राइड भी अच्छे से हैं। मंगोलियन चिकन विद गार्लिक राइस इज रेडी टू बी सर्व्ड। आई कैन फील इट्स परफेक्ट अरोमा। इसकी थोड़ी सी ड्रेसिंग कर देते हैं, तिल स्प्रिंकल कर देते हैं। चलें जी, हमारे गार्लिक राइस भी रेडी और चिकन मंगोलियन भी रेडी और मैं इसको खाने के लिए भी रेडी। आप भी जल्दी से अपने किचन में जाएं और इसको जल्दी से ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे गार्लिक राइस और चिकन मंगोलियन कैसा लगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक न्यू और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।